नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं एक और बीमारी की। जी हाँ, ये बार बार भारत में आती रहती है, जाती भी रहती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर जाती है, मतलब मौत की संख्या इसके बाद बढ़ जाती है। मैं बात कर रहा हूँ बर्ड फ्लू की। इसको लेकर के देश के कई राज्यों के अलग अलग शहरों में धारा 144 लगा दी गई है, मतलब चार से ज़्यादा लोग एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकते। इसकी एक डरावनी तस्वीर झालावाड़ यानी राजस्थान से सामने निकल कर आई थी। हज़ार से ज़्यादा पक्षियों के मरने की खबर केरल से भी सामने निकल कर आई थी। इसके अलावा मैं बीते दिन एक खबर जान रहा था जिसपे ये बात सामने निकल कर आई कि पंजाब में भी बहुत सारे जो मुर्गे हैं और मुर्गियां हैं उनकी भी मौत हो रही है, लेकिन पंजाब की तरफ से कहा गया कि ठंड में ऐसा हो जाता है, अधिकतर ऐसा होता है कि सर्दियों के मौसम में इनकी मौत की संख्या जो है वो हर साल बढ़ती है। वहाँ पर बर्ड फ्लू का मामला नहीं था, लेकिन इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से भी ऐसी एक खबर सामने निकल कर आई है, गुजरात और मध्य प्रदेश से भी। कुल मिलाकर बात करूँ तो देश के 4-5 राज्य इस वक्त ऐसे हैं जहाँ पर बर्ड फ्लू के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अगर इस खबर पर जाना चाहूँ तो दुनिया के भी कुछ ऐसे देश इस वक्त पे इसी मामले को रिपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि उसमें अभी पूरी जानकारी पुष्ट तौर पर सामने निकल कर नहीं आई है, इसलिए उन देशों के नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी ऐसी खबरें सामने निकल कर आई हैं। आपको पता है कि सर्दियों के मौसम में भारत के अलग अलग राज्यों में जो नॉर्थ पोल की तरफ से है, यानी वो देश जो खास तौर पे रशिया, बेलारूस, सर्बिया, इस तरफ जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, कड़ाके की ठंड पड़ती है, वहाँ से पक्षी जो है वो इस माइग्रेशन के दौरान भारत आ जाते हैं। खास तौर पे राजस्थान में एक बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, वहाँ पर ये इस तरह के पक्षी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ऐसा कई बार कहा जाता है कि इस मौसम में ऐसा बर्ड फ्लू इसलिए भी होता है। कानपुर में भी एक जूलॉजिकल पार्क है जहाँ पर इस तरह के पक्षी जो है वो पहुँच जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग देश में हिस्से हैं जहाँ से विदेश से ये पक्षी माइग्रेट होकर इस वक्त पर आते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं, लेकिन ये अपने साथ कई बार ऐसी बीमारियाँ भी लेकर आते हैं जो जानलेवा हैं, इसलिए ध्यान रखिए। हम तो लगातार कह ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।